नाज़रीन आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार का कहना है कि इंसाफ देने के लिए किसी चीज को रुकावट नहीं बनना चाहिए। मुझे टारगेट दिल और जज्बे से चाहिए। अदालती पॉलिसी साफ कमेटी के इजलास से खिताब के दौरान चीफ जस्टिस का कहना था कि मेरे पास केसेस आ रहे हैं जिसमें एक एक साल बाद फैसले लिखे गए। मैं थक गया हूँ कह कह कर के एक महीने में फैसला दे। चीफ जस्टिस का कहना था कि कयामत के दिन एक आदिल काजी को अल्लाह की रहमत की छाव नसीब होगी। ये बड़ा अजीब काम है, लिहाजा अपनी जिम्मेदारियां नौकरी समझकर नहीं फर्ज समझकर अदा करें। जस्टिस साकिब निसार ने कहा कि एक साल के लिए आप अपना वक्त कौम को तोहफे में दे दें और एक साल बाद देखिएगा कि क्या तब्दीली आई है। चीफ जस्टिस का कहना था कि मुल्क में अजीम लीडर और अजीम मुंसिफ आ जाए तो मुल्क की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। उनका कहना था कि बड़े बड़े मगरमच्छों को कानून के कटहरे में लाना है। खुदा के वास्ते इंसाफ की फराहमी के लिए जो कर सकते हैं कर गुजरे। अगर अदलिया ने कारकर्दगी ना दिखाई तो रियासत लड़खड़ा जाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन के तहत पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है और आइन साजी पार्लियामेंट ने करनी है।